हमार लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए, पहले ही वो बर्बाद हो गए। जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को भी अपना इसमें रोल अदा करना हो। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। कठुआ में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। हर कोई पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का बदला लेना चाहता है। कश्मीर की आवाम भी इस नापाक हरकत से खफा है और यहां के सियासतदान भी पाकिस्तान की दहशतगर्दी की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने नापाक हरकत पर पाकिस्तान को लताड़ा, अब उनके बेटे और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान को आईना दिखाया है। सुनिए उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को क्या नसीहत दी। जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को भी अपना इसमें रोल अदा करना होगा कि मुल्क के दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात है वो बेहतर है। इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते बना इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो पहले ही बर्बाद हो चुका है और नापाक हरकतों से भारत को जंग के लिए उकसाया तो गर्त में चला जाएगा। 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए, पहले ही वो बर्बाद हो गए और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है, और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, सब इसके खिलाफ है। और जो ये कर रहे हैं उसे क्या हो क्या रहा, इनको मिलेगा क्या, क्या मिलेगा? उन जवानों के घरों में मातम होगा आज, और वो कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। ये उनको देखना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। जो ये टेररिज्म है ये उनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। बता दें कि बॉर्डर पर पाकिस्तान की कायराना हरकतों के कारण ही भारत ने पाकिस्तान से हर संबंध तोड़ लिया है, चाहे वो व्यापार हो या खेल। 2025 में होने वाले ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने की भी संभावना नहीं है। इसे लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान की हरकतों के कारण ही टूर्नामेंट छोड़कर दोनों देश में खेल बंद हो गए हैं। अभी काफी साल हो गए हमने बायलैटरल एक दूसरे के मुल्कों में नहीं खेला है। अब टूर्नामेंट के हवाले से अगर इंडिया की टीम नहीं जाएगी तो ये BCCI का अपना फैसला है। मैंने हमेशा कहा है कि इस मुल्क में और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं। यानी एक बात तो साफ है कि नए हिंदुस्तान का ये नया कश्मीर पाकिस्तान को माकूल जवाब देना चाहता है, और कश्मीर के इन दिग्गज सियासी चेहरों को ये बयान साफ इशारा है कि पाकिस्तान को बड़ा संदेश है कि अपनी इन नापाक हरकतों से बाज आ जाएं, नहीं तो ये नया हिंदुस्तान है घर में घुसकर बदला लेना जानता है, देश के सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दें। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।